इन दिनों और तो दुनिया खतरनाक महामारी कोरोना की चपेट में है और तमाम देश कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जब से कोरोना ने दुनिया के 180 देशों में अपने पैर पसारे हैं तब से ये बात कही जा रही है कि कोरोना चीन की वुहान में स्थित एक लैब से फैला है और ये चीन का एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसके जरिए चीन दुनिया भर के तमाम देशों में वायरस फैलाकर उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहता है और बाद में वायरस का वैक्सीन बनाकर महंगे दामों पर बाकी देशों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है चीन को लेकर चल रही इस बात पर कई पॉइंट निकल कर सामने आए हैं जिनमें इसे चीन की एक साजिश बताया जा रहा है इसी बीच ह्यूमन इम्यून डिफिशियंशी वायरस की खोज करने वाले नोबल पुरस्कार विजेता फ्रांसिसी प्रोफेसर लुक मोन्टीनियर का कहना है कोरोना वायरस एड्स का इलाज खोजने के लिए वैक्सीन विकसित करने की कोशिश का परिणाम है लोक के मुताबिक वायरस के जीनोम में मौजूद एच और मलेरिया के कीटाणु इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये तैयार किए जाने वाले वैक्सीन के फेल होने पर वायरस के रूप में सामने आया है प्रोफेसर लुक का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता उन्होंने ये दावा किया कि ये औद्योगिक हादसा वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लैब में हुआ है प्रोफेसर लुक ने दावा किया कि वुहान सिटी लैब को इस तरह के कोरोना वायरस में साल 2000 से अध्ययन हो रहा है और वो इस मामले में विशेषज्ञ हैं उन्होंने वायरस को खत्म करने की वेब थ्योरी की भी जानकारी दी आपको बता दें कि प्रोफेसर लुक की इस थ्योरी को लेकर उनका मजाक भी बनाया गया पेरिस के ही एक वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि लूक की बातों का कोई तथ्य नहीं है लेकिन प्रोफेसर लूक का कहना है कि ये वायरस चीन की वुहान स्थित लैब से फैला है और जब ये वैक्सीन तैयार किया जा रहा था उसी दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई और लैब में ही काम करने वाले एक व्यक्ति की गलती से ये वायरस बाहर निकल गया और इसने तमाम देशों को अपना शिकार बना लिया अब ये वायरस वाकई चीन के लैब से निकला है या नहीं ये तो खुद चीन ही बता सकता है लेकिन दुनिया के तमाम देश यही कह रहे हैं सभी जगह ऐसी ही बातें चल रही है कि ये चीन का कोई बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है प्रोफेसर लुक ने जो बातें कही है उनका भी अभी कोई सबूत सामने नहीं आया है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.